हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रज्ञा एंड फादर्स डे आने वाला है, सो आई एम श्योर आपने प्रिपरेशन तो कर ली होगी, बट लास्ट मोमेंट पे एक काम रह जाता है, हमें कार्ड बनाना होता है। सो आप सबके लिए मैं लेके आई हूँ बहुत ही इजी एंड बहुत ही क्यूट क्यूट से फादर्स डे कार्ड आइडियाज। सो आई एम श्योर आप वीडियो को पूरी देखोगे बिकॉज आपको सारे आइडियाज तो चाहिए ही चाहिए। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जरूर करना। मैंने एक ट्रॉफी बनाई थी फादर्स डे के लिए, तो आई एम श्योर वो ट्रॉफी आपको बहुत पसंद आएगी, तो उस वीडियो को जाकर के देखो क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। सो बस देर किस बात की, चलो फटाफट से बनाते हैं प्यारे प्यारे से कार्ड्स। फर्स्ट वाले कार्ड के लिए आपको इस तरीके से ब्लैंक पेपर ले लेना है, और जिस तरीके से आप देख रहे हो ना, मैंने A4 साइज के पेपर को इस तरीके से फोल्ड किया है और उसके फ्रंट पे मैं एक ट्रॉफी का हल्का सा शेप बना रही हूँ, एंड उसके नीचे मैंने लिखा है डैड। तो जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही सेम आप भी जो चाहो वो लिख सकते हो, बट मुझे ये जो ट्रॉफी है ना, ये नंबर 1 डैड की बनानी है, तो इसलिए मैं ऊपर नंबर 1 लिख रही हूँ एंड नीचे के साइड में मैंने डैड लिख दिया। बाकी का बचा जो एरिया है जो हमने ट्रॉफी का शेप ड्रॉ किया हुआ है, मे बी आपको थोड़ा लाइट दिख रहा होगा यहाँ पे, बट ये जो ट्रॉफी वाला जो जितना भी पार्ट है ना, उसमें सब में मैंने ना डूडल आर्ट कर लिया है। सो डूडल आर्ट या स्क्रिबल आर्ट जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो, ये बेस्ट है और बहुत ही ईजी है। जिनको ड्राइंग नहीं आती है ना, वो भी कुछ भी बना करके इस कार्ड को कंप्लीट कर सकते हैं, या आप चाहो तो इसमें लेटर्स को लिख करके आप वैसे भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। बस इसी तरीके से जहाँ पे जैसा शेप है उस हिसाब से आप डिज़ाइन बनाते जाओ और अपनी डिज़ाइन को पूरी करते जाओ। तो इस तरीके से अपने पसंद की कोई भी डिज़ाइन बना के, कैसा भी कलर करके आप इस कार्ड को कंप्लीट कर सकते हो, एंड ये बहुत ही इजी है, तो इसको ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। सेकेंड वाले कार्ड के लिए आपको इस तरीके से डार्क कलर का पेपर लेना है और उसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, और बीच वाले पोर्शन को कॉलर के जैसा ऐसे फोल्ड कर लेना है। तो इसको ना आपको डार्क कलर के पेपर पे ही बनाना है, फिर जो ये फोल्ड किया हुआ एरिया है ना, इसके साइड से आपको एक वाइट पेपर कट कर लेना है ताकि आप इस पर अपना मैसेज लिख सको, और इसको थोड़ा सा लंबा रखना है और इसके अंदर फेविकोल लगा करके पेस्ट कर देना है। और ऐसे पेस्ट करने के बाद ऊपर का जो एक्स्ट्रा है ना पोर्शन, उसको कट करके इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, जैसे कॉलर होता है ना शर्ट का, बिल्कुल वैसा ही शेप देना है। अब इसका जो बीच वाला पोर्शन है, जो भी एक्स्ट्रा लगता है, आप उसको कट करके ट्रिम करके हटा दो और बना लो एक प्रॉपर शर्ट के कॉलर जैसा शेप। अब शर्ट तो बन गई, अब शर्ट पे हम लगाएंगे बो। तो उसके लिए ना रेड कलर से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे मैंने रेड कलर का पेपर लिया है छोटू सा, और उसके कॉर्नर्स को कैसे कट किया है आप देख सकते हैं। फिर आपको इसको फोल्ड करके छोटा सा बो बना लेना है, और इस बो के बीच में छोटा सा स्ट्रिप इसी पेपर का लगा करके आपको पेस्ट कर देना है। इन हैक्स की सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि इनको आप फेविकोल से कर सकते हो, सो इसको कोई भी ट्राई कर सकता है। इस तरीके से अब इसको कॉलर वाले एरिया पे बीच में पेस्ट कर दो, फिर एक छोटा सा वाइट पेपर लो और पॉकेट के पास इस तरीके से जैसे हैंगी लगाते हैं ना वैसे पेस्ट करके उसके ऊपर एक स्ट्रिप लगा दो ब्लू कलर की। उसके बाद मोतियाँ लो और मोतियों को यहाँ पे फेविकोल या ग्लूगन की हेल्प से लगा दो, तो हो गया हमारा कार्ड कंप्लीट। अब इसके बीच वाला जो एरिया है ना, इसमें आप अपना कोई भी मैसेज लिख करके अपने पापा को दे सकते हो।
थर्ड वाला जो आइडिया है ना, इसके लिए आपको लेना है पेपर, जैसे कि मैंने यहाँ ब्राउन पेपर लिया है, आप कोई सा भी कलर ले सकते हो। बट पापा बेर के लिए, बेयर शेप कार्ड बनाने के लिए मुझे ब्राउन कलर से अच्छा कोई आइडिया नहीं लगा, तो इसलिए मैंने ब्राउन लिया। फिर कंपास से ऐसे सर्कल बनाना है, और सर्कल बनाने के बाद आपको इसको कट कर लेना है। तो सीजर की हेल्प से ना आप इसको कट करोगे और एक साइड से जॉइंट रहने दोगे। उसके बाद एक और छोटा सर्कल लेना है, फिर दो और छोटे सर्कल लेने हैं, और उन्हीं सेम साइज से आपको येलो कलर के पेपर्स लेने हैं, क्योंकि ब्राउन के साथ येलो अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ये लिया है। उसके बाद इन सारे येलो कलर्स को ना आपको थोड़ा सा बड़ा कट करना है ब्राउन वाले एरियाज़ के अकॉर्डिंग, और उसके बाद फेविकोल लगाना है, और इन दोनों को आपस में चिपका करके अपने जो सर्कल वाला शेप था ना उसके ऊपर इसको पेस्ट कर देना है। सेम ऐसे ही ईयर वाला पोर्शन ईयर के पास, और माउथ वाला पोर्शन माउथ के पास। अब बनाते हैं आइज़। आइज़ बनाने के लिए हमें लेना है वाइट कलर का पेपर, जिसको सर्कल में कटिंग किया है और इसको हमने पेस्ट कर दिया है। ऐसे ही दो आइज़ बनाओ, पेस्ट कर दो, और उसके बाद स्केच पेन की हेल्प से इनकी जो आईबॉल्स है ना और आइज़ की जो आउटर लाइन है ना, वो सारी आप इससे ड्राइंग कर सकते हो। सो आप देख सकते हैं किस तरीके से कितनी आसानी से स्केच पेन से और पेपर से इतना क्यूट सा कार्ड बन करके तैयार हो गया। और उसी स्केच पेन से आपको इनका नोज़ बनाना है, और उसके बाद माउथ बना लेना है। अब अंदर के साइड में मैसेज क्या लिखेंगे, ये भी बहुत सारे लोग सोचते हैं, है ना। तो आपके दिल में जो भी आता है ना, आप अपने पापा से बस कह दो अपने दिल की बात। बिल्कुल भी ये मत सोचो कि उनको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, उनको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली हैप्पी फादर्स डे एंड पापा बेयर लिख रही हूँ। आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताना, एंड आपने कौन सा वाला आइडिया ट्राई किया ये भी बताना, और अगर आप ट्राई करना ना तो मुझे मेंशन जरूर करना, मैं भी देखना चाहूंगी कि आपने कैसा काम किया है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड हैप्पी फादर्स डे टू ऑल फादर्स, लव यू ऑल, बाय बाय।